आज का हम लोगों का रिवीजन का टॉपिक है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बायबैक इक्विटी शेयर इशू का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। शेयर इशू जब कंपनी करती है तो कंपनी पब्लिक को शेयर देती है और पब्लिक से पैसा लेती है। बायबैक में ठीक उल्टा होता है, पब्लिक को इशू किया हुआ शेयर कंपनी वापस लेती है और कंपनी पब्लिक को पैसा वापस देती है, तो इशू का एग्जैक्टली उल्टा। अब इसमें फंडा ये है कि शेयर इशू कंपनी कब करती है, जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, और बायबैक कंपनी कब करेगी, जब कंपनी को लगता है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और पैसों की जरूरत नहीं है, तो शेयर बायबैक करके नंबर ऑफ शेयर को कम कर दिया जाए ना। इंडिया में 1999 के पहले बायबैक अलाउड ही नहीं था। उसके बाद जब बायबैक अलाउड हुआ तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंडिया में बायबैक अलाउड हुआ। हम लोगों को आज की रिवीजन क्लास में वो सारे रिस्ट्रिक्शंस पढ़ने हैं और अकाउंटिंग एंट्री पढ़नी है और बायबैक के कैलकुलेशंस, जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगे बायबैक में उसमें कैलकुलेशंस में थोड़ा सा लफड़ा है, वो हम लोगों को रिवाइज करना है। नाउ देखिए, कंपनी बायबैक करेगी तो कंपनी पब्लिक को पैसा वापस देगी और पब्लिक से शेयर खरीदेगी, वही शेयर जो उसने कभी कंपनी ने पब्लिक को इशू किया था। तो अब देखो, अगर शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है मान लो और लिस्टेड एंटिटी है, तो शेयर मार्केट में उस शेयर का दाम, अगर दाम मार्केट प्राइस अगर बहुत बढ़ा हुआ रहा, बहुत बढ़ा हुआ, तो कंपनी अगर बायबैक करेगी तो उसको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा और बहुत कम शेयर उसको वापस मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि बायबैक कंपनियां तभी करती हैं जब कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस काफी कम होता है और कंपनी को लगता है कि नहीं, इस दाम में तो मेरा शेयर का दाम ट्रेड होना ही नहीं चाहिए, इस दाम में ट्रेड नहीं होना चाहिए, यह काफी कम दाम है, तो कंपनी बायबैक करती है। तो बायबैक में दो ही कहानी है, एक कंपनी के पास कैश सरप्लस ह्यूज होना चाहिए और आगे उस पैसा का रिक्वायरमेंट कंपनी को नहीं होना चाहिए, दो कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस काफी कम होना चाहिए, तभी कंपनियों के लिए बायबैक करना फिजिबल होता है। वैसे ये कंपनी लॉ के रेगुलेशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बायबैक नहीं है, ये जनरल आइडिया ऑफ बायबैक मैंने बताया, अदरवाइज बायबैक करना नॉनसेंस हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेके बायबैक कर रहे हो, नॉट गुड। या मान लो आपके शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है और आप बायबैक कर रहे हो, तो बायबैक कर भी रहे हो, इतना पैसा भी पब्लिक को दे रहे हो, लेकिन आपके पास शेयर ही बहुत कम आ रहा है। सो बायबैक का कारण वही दो ठो है जो मैंने बताया। अब देखिए, मैं आपको पहले अकाउंटिंग एंट्री का रिविजन कराता हूं कि मान लो एक कंपनी ने 4000 इक्विटी शेयर बायबैक किया, फेस वैल्यू 10 था और 30 रुपीज प्रीमियम में मान लो कंपनी ने बायबैक किया, तो बायबैक का टोटल मिलाकर के 4 जर्नल एंट्री होता है। पहला जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये एंट्री कैश आउटफ्लो की एंट्री है। अब आप सोचो, 4000 इक्विटी शेयर 40 रुपया करके बायबैक हुआ तो 1,60,000 का ये एंट्री आ गया। सेकेंड एंट्री आती है इस इक्विटी शेयर बायबैक में, जो बाई, ये तो डेबिट हो गया इक्विटी शेयर बायबैक, तो ऐसा तो कोई लेजर अकाउंट, परमानेंट लेजर अकाउंट तो है नहीं, तो कंपनी का जो कैपिटल है 10 रुपया से और प्रीमियम नाम का एक लॉस, प्रीमियम ऑन बायबैक नाम का एक लॉस डेबिट होगा और ये इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए ऐसे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 × 10 40,000, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 4000 × 30 120,000 टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 1,60,000। अगर आप इन दोनों का कंबाइन एंट्री मारोगे तो कैपिटल डेबिट, क्योंकि आप कैपिटल बायबैक कर रहे हो तो कैपिटल तो कम होगा, प्रीमियम डेबिट एक तरह का लॉस हो गया टू बैंक। लेकिन अगर बायबैक का सम आता है तो इंस्टीट्यूट हमेशा दो एंट्री पास करता है, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप एक एंट्री पास नहीं करके दो एंट्री पास करिएगा। अब तीसरा एस्पेक्ट है इस प्रीमियम ऑन बायबैक को एडजस्ट करने का। अब क्योंकि ये लॉस है तो किसी प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, तो हमारे कंपनी लॉ में सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्ट करने के लिए आप आराम से यूज में ले सकते हो। आपको मैंने बोला था ग्रुप वन की क्लास में कि रिडेम्पशन प्रीमियम ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन प्रीमियम ऑफ डिबेंचर, उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज में नहीं आएगा।
और ग्रुप टू में मैं बोल रहा हूं कि यस वो एकदम करेक्ट है, लेकिन प्रीमियम ऑन बायबैक नाम से सिमिलर लगता है, प्रीमियम ऑन बायबैक को यूज करने के माने एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को आप आराम से यूज में ले सकते हो। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है तो वहां नहीं है तो कोई भी फ्री रिजर्व, चाहे जनरल रिजर्व हो, पीएल हो, रेवेन्यू रिजर्व हो, आप उसको यूज करके प्रीमियम ऑन बायबैक को एडजस्ट कर सकते हो। 1,20,000, हाँ हम जरूर ये बोलेंगे कि इट विल बी प्रेफरेबल, नॉट कंपल्सरी, इट विल बी प्रेफरेबल कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करें अगर बैलेंस हो तो, प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करें। रिपीट करता हूं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज मत कीजिएगा, फ्री रिजर्व आराम से यूज कीजिएगा। लास्ट बार बोला ये बात। अच्छा अब आता है कि क्योंकि आप इक्विटी शेयर बायबैक किए हैं तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए कम हो गया है। कंपनी लॉ बोलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक की वजह से कम तो हुआ लेकिन आपको कम करने नहीं देंगे। तो अब मैंने बोला कि मैं बायबैक करूंगा तो कैपिटल तो कम होगा ही, तो उन्होंने बोला आपको कुछ करना होगा। मैं बोला क्या? उन्होंने बोला आपको CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होगा। हम बोले कितने रुपए का? बोला जितना कैपिटल आपका कम हुआ है, तो 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 40,000 बनाना होगा। मैंने बोला इसके लिए तो मुझे कोई रिजर्व यूज करना पड़ेगा, मैं रिजर्व में पैसा डालूंगा तो मुझे कोई दूसरा रिजर्व यूज करना होगा। तो उन्होंने बोला कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हो और आप फ्री रिजर्व भी यूज कर सकते हो, माने एग्जैक्टली जो यहां पे कर सकते हो वो यहां पे भी कर सकते हो। तो मैं बोला आप सिक्योरिटी प्रीमियम से CRR बनाने दे देंगे, क्या आप सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व मानते हैं? बोला हां, बायबैक के सेक्शन में, ओनली बायबैक के सेक्शन में सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व माना जाता है। तो इवन CRR बनाने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज ले सकते हैं। देखो ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर रहे हैं, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज का जो सेक्शन है उसके हिसाब से कर रहे हैं, और जो CRR बनाने के लिए जो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि बायबैक के सेक्शन में सिक्योरिटी प्रीमियम को CRR बनाने के लिए फ्री रिजर्व की तरह यूज करना अलाउड है ना। ये जो 4 जर्नल एंट्री है ना सर, ये 4 जर्नल एंट्री बायबैक की एंट्री मानी जाती है। ये 4 जर्नल एंट्री आप एग्जाम में पास करके आओगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम और अगर प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं है तो 3 एंट्री में काम हो जाएगा, बट जनरली ये 4 एंट्री पास करनी पड़ती है। अब यहां पे एक बात बोलेंगे कि अगर किसी कंपनी को CRR बनाने का मन नहीं है, डजंट वॉन्ट टू क्रिएट CRR, तो कंपनी लॉ बोलता है कि उसको फ्रेश इश्यू लाना होगा और वो फ्रेश इश्यू भी प्रेफरेंस शेयर का लाना होगा। फ्रेश इश्यू भी प्रेफरेंस शेयर का लाना होगा। इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए इक्विटी शेयर का फ्रेश इश्यू नहीं आ सकता, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर का फ्रेश इश्यू लाना होगा। तो हम बोले चलिए ठीक है, अगर CRR नहीं बनाना है तो फ्रेश इश्यू लेकर के आना है और प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इश्यू लाना है, तो डन हो गया बात। तो 2-3 क्वेश्चन ये था कि मान लो मेरे को CRR नहीं बनाना है तो मैं फ्रेश इश्यू लाया, और मेरे फ्रेश इश्यू की एंट्रियां देखिए। मेरी पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,000, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000। मैं मान लो फ्रेश इश्यू लाया सिर्फ इतना, 12,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 15,000 का फ्रेश इश्यू लाया, तो कंपनी लॉ ने बोला है कैश और कैपिटल विच एवर इज लोअर माना जाएगा, कैश और कैपिटल विच एवर इज लोअर। तो मेरा लोअर 12,000 है तो बोला 12,000 माना जाएगा आपका फ्रेश इश्यू है। तो बोला मेरा तो क्या नाम 40,000 का कैपिटल बायबैक हुआ है, तो बोला आपको 28,000 रुपया का CRR बनाना ही होगा, क्योंकि 12,000 आपने फ्रेश इश्यू कर लिया तो बाकी आपको CRR बनाना होगा। तो हम बोले ठीक है डन है। मैं बोला अगर मेरा एग्जाम्पल ऐसा होता तो मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000 होता तो बोला बैंक और कैपिटल विच एवर इज लोअर, हम बोले दोनों सेम है 15,000, तो बोला आपको CRR 25,000 बनाना पड़ता, 25,000 40 माइनस 15। हम बोले अगर मेरा एंट्री ऐसा होता तो कि बैंक अकाउंट डेबिट 15, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18 और डिस्काउंट डेबिट 2 3,
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो बोला वही फंडा कैपिटल और बैंक विच एवर इज लोअर. तुम बोला बैंक इज लोअर, 15,000 इज लोअर. तो बोला 15 मतलब 25,000 का सीआरआर आपको बनाना पड़ेगा. बोला ये चार एंट्री बायबैक की होती है बस. और बायबैक का जब अकाउंटिंग आप चार एंट्री पास कर लोगे ना, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पेपर में आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेगा. वो बैलेंस शीट आप हमेशा शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है ना, मैं जिसको 3, 4, 4, 5, 6 बोलता हूं, उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाओगे. और एक चीज का रिक्वायरमेंट याद रखना कि बायबैक के बाद जब बैलेंस शीट बन जाएगी तो उसमें जो शेयर कैपिटल का नोट्स बनेगा, उस नोट्स में बायबैक के बारे में जरूर बताना. बिकॉज बायबैक एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जिसको 5 साल तक डिस्क्लोज किया जाता है. तो बायबैक के बाद वाली बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल के नोट्स में बायबैक के बारे में आपको बतलाना पड़ेगा. सो बायबैक में चार जर्नल एंट्री प्लस एक बैलेंस शीट प्लस एक नोट जिसमें बायबैक के बारे, शेयर कैपिटल का नोट जिसमें बायबैक के बारे में आप बता देंगे कि कंपनी हैज बॉट बैक 4,000 शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ 40 ईच. बस इतना ही लिखना पड़ता है. अब आइए मैं बायबैक के कुछ कंपनी लॉ रिलेटेड रूल्स और उनका मैथमेटिकल एप्लीकेशन डिस्कस करता हूं. देखिए, पार्टली पेड इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं होता. बायबैक करने के लिए कंपनी को, अगर कंपनी विद इन 10% यानी छोटा अमाउंट ऑफ बायबैक करना चाहता है 10% के अंदर अंदर, तो बोर्ड में रिजोल्यूशन पास करके बायबैक कर सकता है. पर 10% से ज्यादा का बायबैक अगर करना है तो शेयर होल्डर का मीटिंग बुलवा करके स्पेशल रिजोल्यूशन करवा करके बायबैक करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट है कि बायबैक अगर करना है तो जिस दिन भी बायबैक का रिजोल्यूशन पास होगा उसके 1 साल के अंदर अंदर पूरे बायबैक की प्रोसीडिंग को कंप्लीट कर लेना पड़ेगा. नहीं तो जितना कंप्लीट हुआ उसी को बायबैक माना जाएगा. 1 साल 1 नंबर वाला दिन, माने 366 नंबर वाले दिन में पुराना बायबैक का रिजोल्यूशन एप्लीकेबल या वैलिड नहीं रहेगा. बायबैक कर लेने के तुरंत बाद, बायबैक कर लेने के बाद 6 मंथ तक आपको फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर लाना अलाउड नहीं है. उसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं. नो फ्रेश इश्यू फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. अच्छा, बायबैक अगर आप करेंगे तो बायबैक कर लेने के बाद जो इक्विटी शेयर आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आप तो बाई कर रहे हैं, बाई करेंगे तो पैसा दिए तो शेयर आएगा, तो उसको आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय या इलेक्ट्रॉनिकली एक्सटिंग्विश करना पड़ता है बायबैक के 7 दिन के अंदर अंदर. माने दोज शेयर्स आर नॉट अवेलेबल टू बी सोल्ड इन द मार्केट अगेन. कि खरीद लिए और बाद में दाम बढ़ गया, जैसे अभी दाम गिर गया तो खरीद लिए, बाद में दाम बढ़ गया तो बेच दिए, ऐसा अलाउड नहीं है. माने यू कैन नॉट बी ट्रेडर इन योर ओन स्टॉक. तो बायबैक कर लेने के बाद विद इन 7 डेज आपको शेयर को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ता है. बायबैक के वक्त, माने बायबैक का जब रिजोल्यूशन पास होता है तो कंपनी के डायरेक्टर लोगों को कंपनी, माने एक आरओसी में, और वो अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के पास भी, मुझे एग्जैक्टली अथॉरिटी नहीं मालूम किसके पास, लेकिन एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है. वो सब आप लॉ में चेक करिएगा. सारी बात मैंने लॉ की बताई. अब मेरे को जो मेन बात बतानी है, ये सब बातें तो आप कंपनी लॉ में पढ़ लीजिएगा, अब मेरे को जो मेन बात बतानी है वो मेरे बायबैक के क्वेश्चन पेपर के लिए रेलेवेंट है. बायबैक में क्या होता है कि एक कंपनी को नंबर ऑफ इश्यूड शेयर का 25% नंबर गेम, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट. तो बोला जाता है कि एक कंपनी को 25% ऑफ इश्यूड नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा बायबैक करना अलाउड नहीं है. नो, नहीं कर सकते आप. टू, कंपनी को जो शेयर होल्डर को कैश पेमेंट होगा, कैश चेक मतलब कुछ भी, कंपनी जो पेमेंट करेगी शेयर होल्डर लोगों को बायबैक में, दैट कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस
फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का डेफिनेशन वही वाला था जो ग्रुप वन में भी आप लोगों ने, लॉकी क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा. यू कैनॉट मेक द पेमेंट ऑफ मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. और ये वाला रूल लिस्टेड कंपनियों के लिए 15% है. सेकेंड वाला रूल, यू कैनॉट पे मोर देन 15% ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स लिस्टेड कंपनियों के लिए. एंड थर्ड रूल है कि बाईबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो 2 को क्रॉस नहीं करना चाहिए. मैक्सिमम परमिजिबल डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाईबैक इज 2. इट कैनॉट गो बियॉन्ड 2 योर डेट इक्विटी पोस्ट बाईबैक. क्योंकि देखो जब आप इक्विटी बाईबैक करोगे तो इक्विटी गिर जाएगा, इक्विटी कम हो जाएगा. तो अगर आपके पास डेट बहुत ज्यादा है और आपने बायबैक करके इक्विटी को कम कर दिया, बायबैक करेंगे इक्विटी कम होगा ना, इशू करने से इक्विटी बढ़ता है, बायबैक में कम हो जाएगा. तो आपके डेट इक्विटी, अगर आपने इक्विटी कम कर दिया तो आपका डेट इक्विटी रेशियो के बढ़ जाने का चांस है. तो अगर बढ़ जाने का चांस है तो 2 से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए. इट शुड बी विद इन और मैक्सिमम इक्वल टू 2 पोस्ट बायबैक. तो ये 3 रेगुलेशन है, इनका मैथमेटिकल एप्लीकेशन है. और इनका मैथमेटिकल एप्लीकेशन मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू से समझाना चाहता हूं. बड़ा इंटरेस्टिंग है. ओके, तो मैं मान लो एग्जांपल लेता हूं एक अनलिस्टेड कंपनी का. तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये जो रूल नंबर 2 है वो 25% वाला है. तो मैं अनलिस्टेड कंपनी का एक एग्जांपल ले रहा हूं. मान लो उस अनलिस्टेड कंपनी का इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1,00,000. मान लो उस कंपनी का फ्री रिजर्व्स है 6,00,000. और मान लो उस कंपनी का डेट है, अच्छा इस डेट में ना करंट लायबिलिटी भी आता है. ये डेट माने खाली वो रेशियो एनालिसिस वाला लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म इंक्लूडिंग करंट लायबिलिटी. मान लो इस कंपनी का डेट है 9,00,000 रुपया और ये कंपनी बायबैक करना चाहती है और इसका बायबैक प्राइस है मान लीजिए 40 रुपया का. बायबैक प्राइस 40 रुपया का है तो कंपनी को ये एक्सपेक्टेड बायबैक प्राइस बोलते हैं, पोटेंशियल मतलब इतना में हम करेंगे. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह कंपनी कितना शेयर बायबैक कर सकती है. इस कंपनी के पास रुपया का कोई प्रॉब्लम नहीं है. यह कंपनी बोलती है हमको बताओ हमको मैक्सिमम बायबैक कर लेना है, जितना कर सकेंगे हम उतना बायबैक कर लेना चाहते हैं. तो लेट अस नो हाउ टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक. तो इसमें एक एक करके वो जो टेस्ट है ना ये टेस्ट करना पड़ेगा. जैसे सबसे पहला टेस्ट को हम लोग बोलते हैं नंबर टेस्ट या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. अब यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखिए 10,000, यहां पे टेस्ट देखिए 25% से ज्यादा आप खरीद नहीं सकते. तो आप सीधा 10,000 का 25% निकाल दीजिए और बोलिए मैक्सिमम नंबर दैट वी कैन बाय बैक इज 10,000 इंटू 25% नंबर, खाली नंबर इक्वल टू 2,500. तो 2,500 से ऊपर आप बायबैक नहीं कर सकते भले आपके पास जितना ही पैसा क्यों ना हो. अब भाई हम लोग चलते रिसोर्स टेस्ट में, पैसा वाला टेस्ट में. तो पैसा वाला टेस्ट में हम लोग को कैपिटल और फ्री रिजर्व निकालना पड़ेगा. फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व में आता है इस चैप्टर के लिए, बाकी किसी चैप्टर के लिए नहीं. जनरल रिजर्व, पीएल, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब फ्री रिजर्व में आता है. तो इस समय मेरा फ्री रिजर्व है, कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला करके है 7,00,000. अच्छा टेस्ट का नाम है रिसोर्स टेस्ट. तो मैं पहले एक वर्किंग बना लूंगा, मेरा कैपिटल है 1,00,000 और मेरा फ्री रिजर्व है 6,00,000, तो मिला दिया तो हो गया 7,00,000. अब 7,00,000 रुपया जो टोटल है मैं इसका 25% पेमेंट कर सकता हूं. तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम पेमेंट इज इक्वल टू 7,00,000 इंटू 25%. ये लिस्टेड कंपनी होने से 15%. और क्वेश्चन में अगर पता नहीं चल रहा कि लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड मान के 25% ही लीजिएगा, लिख दीजिएगा आई अज्यूम दैट इज अनलिस्टेड कंपनी. तो 7,00,000 इंटू 25% आ गया 1,75,000. अब 1,75,000 में
हम कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को एक शेयर 40 रुपए में बायबैक करना है, तो 1,75,000 में माई मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक आ जाएगा 1,75,000 × 40। सो इट इज कमिंग 4,375। ये मैक्सिमम निकल रहा है 4,375। तो यहां मैक्सिमम निकला 4,375, यहां मैक्सिमम निकला 2,500। तो आप समझ जाओ दोनों में मैक्सिमम में आपको दोनों का कंडीशन फुलफिल करना है। तो 2500 से क्या होता है ना, जितना भी नंबर निकलेगा ना, मैं तीन तो टेस्ट करके दूंगा, जितना भी नंबर निकलेगा उसका लीस्ट लेना है, तीनों में सबसे लोअर। बिकॉज नंबर वाला टेस्ट बोला 2500 से ऊपर बायबैक करने नहीं देंगे, रिसोर्स वाला बोला 4,375 से ऊपर बायबैक नहीं करने देंगे। तो आप अगर 4,375 बायबैक करेंगे तो 2500 वाला तो कंडीशन डिफीट हो गया ना, फेल हो गया ना। तो आपको आपको 2500 शेयर ही बायबैक करने मैक्सिमम मिलेगा, अगर दो कंडीशन को चेक करें तो। अब भाई तीसरा टेस्ट, ये ज्यादा बड़ा मैथमेटिकल टेस्ट है, इसको डेट इक्विटी टेस्ट बोलते हैं, और ये सिंपली कैलकुलेट नहीं होता, इसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज होता है। और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मैं आपको बताता हूं, उसका फॉर्मूला है कि बायबैक अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, माइनस सीआरआर अमाउंट। बायबैक अमाउंट इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस सीआरआर अमाउंट, एक्स वाई लेकर के करना पड़ेगा। अच्छा, सीआरआर क्या होता है, जितना आप कैपिटल बायबैक करेंगे उसका उसका फेस वैल्यू का सीआरआर बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा 4000 शेयर जब मैंने बायबैक करने का एग्जांपल लिया था तो मैं 40,000 सीआरआर बनाया था, तो सीआरआर फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बॉट बैक का बनता है। तो हम लोग एक और इक्वेशन बनाएंगे, सीआरआर अमाउंट इक्वल टू बायबैक अमाउंट डिवाइडेड बाई बायबैक प्राइस इंटू फेस वैल्यू। बायबैक अमाउंट बाय बायबैक प्राइस कर दोगे अगर, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा बायबैक अमाउंट बाय प्राइस से, और उसको अगर आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सीआरआर आ जाएगा। सीआरआर इज ऑलवेज फॉर द फेस वैल्यू ऑफ द कैपिटल बॉट बैक। तो इस दो इक्वेशन को एक्स वाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन आपको ये दोनों ये याद रखना पड़ेगा कि बायबैक अमाउंट इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस सीआरआर, सीआरआर इक्वल टू बायबैक अमाउंट बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को पकड़ेंगे और बायबैक अमाउंट को हम बोलेंगे वाई इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी है मेरी 7,00,000, देखिए 6 और 1 7,00,000 कैपिटल प्लस रिजर्व को बोलते हैं, ये हो गई 7,00,000 माइनस मिनिमम इक्विटी मींस डेट डिवाइडेड बाय 2। बिकॉज आपको बोला गया डेट इक्विटी मैक्सिमम 2 रखना है, तो इक्विटी डेट बाय 2 रखना है, डेट बाय 2 से नीचे जैसे इक्विटी चली गई, अगर डेट के आधे से छोटी अगर इक्विटी हो गई अगर, तो डेट इक्विटी रेशियो 2 से क्रॉस कर जाएगा। तो इक्विटी मिनिमम इक्विटी जो है डेट बाय 2 होनी चाहिए। तो अपनी डेट 9,00,000 रुपए की, तो मिनिमम इक्विटी हो गई 4,50,000। ये मिनिमम इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, 9,00,000 डेट बाय 2, और माइनस सीआरआर को मैंने बोल दिया एक्स। तो यहां पे दो वेरिएबल हो गए, इसीलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, वाई बायबैक अमाउंट इक्वल टू 7,00,000 प्रेजेंट इक्विटी फिगर मालूम रहेगा, मिनिमम इक्विटी फिगर मालूम रहेगा, सीआरआर का फिगर मालूम नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बायबैक की तो निकाल रहे हैं, और नंबर नहीं पता तो बायबैक अमाउंट कैसे पता चलेगा। तो ये इक्वेशन बन गया। अब ये यहां पे एक्स वाई पुट करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए, वाई बायबैक अमाउंट डिवाइडेड बाई बायबैक प्राइस 40 इंटू फेस वैल्यू 10। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अगर, तो ये हो गया 4, तो y इक्वल टू 4x। सेकेंड वाले इक्वेशन को छोटा करके y इक्वल टू निकाल लेंगे। जैसे ही y इक्वल टू 4x निकला, हम लोग यहां पर उसको पुट कर देंगे, y इक्वल टू 4x को, कहां पर देखो, y इक्वल टू 4x को यहां पुट कर देंगे। तो अपना ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि 4x इक्वल टू 7,00,000 माइनस 4,50,000 2,50,000 माइनस एक्स, तो ये बन गया 5x इक्वल टू 2,50,000, तो अपना बन गया x इक्वल टू 50,000। नाउ व्हाट इज x इक्वल टू 50,000 मींस,
एक्स इक्वल टू 50,000 मीन्स सीआरआर अमाउंट इक्वल टू 50,000. व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर को तो एक्स बोले थे ना. व्हाट इज सीआरआर? फेस वैल्यू. तो अगर फेस वैल्यू ऑफ सीआरआर 50,000 है, तो अगर फेस वैल्यू पर शेयर को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा. तो आप बोलेंगे इस 50,000 के बेस पे कि माई मैक्सिमम नंबर इक्वल टू 50,000 सीआरआर अमाउंट बाई 10 एंड दैट इज 5,000. तो मैं 5,000 नंबर, ये मैक्सिमम नंबर निकला. तो अब मेरे पास तीन नंबर आ गया. एक आया 5,000, एक आया 4,375, एक आया 2,500. तो हम बोलेंगे विचेवर इज मिनिमम, तीनों में लिस्ट लेना है. तो लिस्ट 2,500 हो गया. 2,500 शेयर मैक्सिमम बायबैक कर लीजिए. अब 2,500 शेयर आप अगर बायबैक करेंगे ₹40 करके, तो जर्नल एंट्री का पैटर्न हम आपको ऑलरेडी 15 मिनट पहले रिवाइज करवा चुके हैं. तो पहले टेस्ट कर लीजिए तीनों टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी टेस्ट. डेट इक्विटी टेस्ट का साइमल्टेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा अच्छा से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला को. उसके बाद जैसे ही नंबर निकल गया, नंबर के हिसाब से आप देख लीजिए कंपनी 2,500 बायबैक करना चाहती है तो 2,500 का जर्नल एंट्री मार दीजिए, जर्नल मार के बैलेंस शीट बना दीजिए. अब यहां एक बात मेरे को बोलना है कि अगर सम में बायबैक टेस्ट करने बोला कि फाइंड वेदर बायबैक इज करेक्ट और नॉट, तभी आप बायबैक का ये तीनों टेस्ट कीजिएगा. नहीं तो उन्होंने जितना बायबैक करने बोला चुपचाप बायबैक का जर्नल मार के बैलेंस शीट बना दीजिएगा. तो आपके पास तीन तरह का सम आएगा, कैलकुलेशन, जर्नल, बैलेंस शीट. अगर बोलेगा तो तीनों काम कीजिएगा, और नहीं तो जर्नल, बैलेंस शीट. अगर कैलकुलेशन नहीं बोला तो खाली जर्नल और बैलेंस शीट बना करके आ जाइएगा. सो विद दिस माई रिविजन ऑफ बायबैक इज ओवर. थैंक यू. अच्छा, सारे सम्स को अच्छे से बना लीजिएगा जो जो मैंने जैसे जैसे बोला है. थैंक यू. जानी